हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं रोजगार दैनिक समाचार में। पहली खबर ये रही आपके स्क्रीन पर जो काफ़ी मामले में बनी हुई है। 370 को हटाना सही था ऐसा कोर्ट का मानना है। जो जम्मू और कश्मीर में 370 का मामला था उस पर बहस हो रहा था और बहस में ये शीर्ष संदेश आया कि ये मामला सही था, इसको हटाना ज़रूरी था। ये पूरी रिपोर्ट है, आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में पुलिस के 62,000 जो भर्तियां हैं वो जनवरी से होंगी और एमटीएस में भरे जाएंगे 1773 पद। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 62,624 पदों की भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसमें कांस्टेबल के 52,699 पद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक शुरू हो जाएगी। तो बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी का चयन प्रक्रिया लगभग पूरा कर लिया है। चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। कांस्टेबल के 52,699 और जेल वार्डर के 2,833 पद हैं और पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2,469 पद शामिल हैं। ये रिपोर्ट आप यहां पर देख सकते हैं। एक बड़ी खबर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीएस से पहले चयनित शिक्षकों की पुरानी पेंशन को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें ये पिछले 1-2 महीने से एनपीएस ओपीएस का चक्कर चल रहा है लेकिन इस पर सरकार का कोई बड़ा अपडेट नहीं आया था। यहाँ पर संवाददाता की रिपोर्ट है, अदालत से भी एक मामला है। आइए जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर किस तरह से अपना बयान दिया है। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो नई पेंशन स्कीम है लागू होने से पहले जारी हुए विज्ञापन के तहत जो चयनित सहायक अध्यापक हैं उनको GPF पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। और साथ में कोर्ट सरकार की इस दलील का नकार दिया है और इसमें कहा गया है कि सहायक अध्यापकों की जो नियुक्तियां हैं नई पेंशन स्कीम यानी कि NPS लागू होने के बाद की गई है तो इस कारण नई पेंशन स्कीम से आच्छादित होंगे। यह आदेश जस्टिस विकास ने बुधवार को याची नंदलाल यादव समेत दाखिल कई रीट याचिकाओं को पारित किया गया था और कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मंजूर किया। विज्ञापन संख्या 1/2002 के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के पश्चात नियुक्ति याची सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने से निर्देश दिया गया है और याची टीचरों को नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ देने के विभाग ने निर्णय लिया है और तथा कहा है कि जो सभी सहायक अध्यापक हैं नियुक्तियां 1 अप्रैल 2005 के बाद की गई हैं इस कारण से ये पुरानी पेंशन का स्कीम लाभ पाने के लिए हकदार नहीं है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मामला जो है याचिकाओं पर दर्ज किया गया था। याची के साथ चयनित नियुक्ति सभी टीचरों की पुरानी पेंशन स्कीम लाभ मिलने जबकि याची को लाभ नहीं दिया गया था और इस बहस की टीचरों के लिए 1964 जो नियमावली है उसमें पेंशन को लेकर कोई संशोधन नहीं है। ऐसी स्थिति में विभाग की कई गलती के कारण नई पेंशन योजना लागू होने के पश्चात दी गई नियुक्तियों के आधार पर याचिकागढ़ को पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ में कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि याची के साथ चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले कर दी गई है और जबकि याचिकागढ़ को विभाग के गलती की वजह से ज्वाइन नहीं कराया गया। ठीक है, मामले के अनुसार विज्ञापन संख्या 1/2002 की सहायक अध्यापकों की भर्ती निकली थी जिसमें 29 नवंबर 2004 को साक्षात्कार हुआ था तथा 24 दिसंबर 2004 को परिणाम घोषित कर दिया गया था और घोषित परिणामों के आधार पर अधिकांश टीचरों की नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन करा दिया गया था जबकि याचिकागढ़ से मिले प्लेसमेंट पर कॉलेज मैनेजमेंट ज्वाइन नहीं कराया था। बाद में बोर्ड के हस्तक्षेप पर दूसरे कॉलेज काशीराज विद्यालय इंटर कॉलेज और अरैया संत रविदास ज्वाइन कराए गए थे। चूंकि यहां पर याची की नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग नई पेंशन स्कीम लागू होने के पश्चात 15 अप्रैल 2005 को हुआ था और इस कारण से इन्हें नई पेंशन स्कीम को आच्छादित मामले में हुई पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से मना कर दिया गया था जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना है। और इसी तरह इलाहाबाद इंटर कॉलेज के TGT और LT ग्रेड के अध्यापक विनोद कुमार को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने पर जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश दिया गया है। और यहाँ पर ये निर्देश तो दिया गया है, साथ में यहाँ पर देख सकते हैं एक पेंशन का मामला फिर यहाँ पर है, NPS से पहले चयनित शिक्षकों की पुरानी पेंशन का लाभ, ऐसा हाईकोर्ट का आदेश। वही खबर फिर से दूसरे तरीके से छापा गया है तो हाईकोर्ट ने दे दिया है बट यहाँ पर सरकार की क्या ओपिनियन है, सरकार ने क्या फैसले लिए हैं उसका कोई अभी गाइडलाइंस या फिर कह सकते हैं कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगली खबर की बात करें दोस्तों तो ये आपके स्क्रीन पर, OPS से राज्यों को होगा बड़ा आर्थिक नुकसान। OPS NPS का मामला मैंने पहले ही बताया कि घमासान चल रहा है, लोग इसकी मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एक दिन अगर कोई नेता मंत्री विधायक सांसद बन जाता है तो उसको पूरा जीवन उसका लाभ मिल जाता है, वहीं पर कर्मचारी 60 वर्ष तक अपनी सेवा देता है उसके बाद भी उसे पेंशन देने में कतरा रहे हैं। ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सही है गलत है?
और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि जो 60 साल तक सेवा देता है, सेवा करता है, उसे लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। और जो एक दिन एक घंटे के लिए बनता है, उसे तो आप पूरा जीवन काल हर बोनस भत्ता TDS पता नहीं क्या क्या, शायद मुझे जानकारी ना हो, इतना सारा लाभ देते हैं, यात्रा सर्विस पता नहीं क्या क्या पास। तो मेरे हिसाब से 60 साल तक कर्मचारियों को ये एक छोटा उनके लिए कह सकते हैं लाभ है उनके जीवन का, तो इसे बंद नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और अभी सरकार इस मामले में कुछ बोल नहीं पा रही है, पता नहीं क्या समझ रही, कैसे क्या हो मुझे नहीं पता, बट आप लोग अगर लगे रहें तो आप लोगों का जो सिस्टम है उसके प्रति काम ज़रूर होगा, ऐसा मैं यहाँ पर जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। सो इस वीडियो को आप लोग जम के शेयर करें ताकि आप लोगों का लाभ हो और मेरा भी लाभ हो। बिल्कुल, आप लोग अगर मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आई थिंक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये रहा आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से ये खबर। यहाँ पर MTS भर्ती 23 से है और 1773 पदों पर होगा चयन। साथ में अगली खबर की बात करें तो 21 साल तक गुजारा भत्ता ना मिलना मानवाधिकार का हनन है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है। साथ में ये खबर दो दो बार हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नियुक्ति नहीं विज्ञापन पुरानी पेंशन का लाभ, ये देख सकते हैं फिर से पूरे आज के पेपर की सुर्खियों में यही पुरानी पेंशन का मामला था। हालांकि बिल्कुल ये पुरानी पेंशन का मामला होना ही चाहिए, और इस मौके पर अगर नहीं हो पाया तो समझिए कभी नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का अपडेट, और ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।